द्वंद्वकारी द्वंद्वकारी बड़ा हुआ तो अपनी मां से कहा, मां हमें पैसे दो। एक रुपए मांगा, मां ने 10 रुपए दे दिया। मां हमें धन दो, मां ने 100 रुपए निकाल दिए। जब बहुत पैसा मिला धुंधकारी को ना, तो वो धुंधकारी बिगड़ गया। और ऐसा बिगड़ा कि शराब पीता, जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ रहता। ऐसा धुंधकारी बड़ा हो गया। एक दिन अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी, जितना पैसा जमीन में गड़ाए हो आप सब निकालो, मुझे धन दो, मुझे पैसा चाहिए। पिता ने कहा, बेटा कहां से लाऊं, तूने सारा तो खर्च कर दिया, मुझे पैसा चाहिए। जब पिता ने पैसा नहीं दिया तो वो बेटा जिसके लिए आत्मदेव जी जंगल गए थे, रो रहे थे, आज वही बेटा बड़ा हुआ ना तो अपने पिताजी को मार लगा रहा है, डंडे से पीट रहा। पिताजी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ा। ये कुदरत का खेल, ईश्वर की कृपा देखिए। जिनके बेटा है ना वो भी बड़े दुखी हैं, जिनके बेटा नहीं है उनकी हालत कैसी है? दुखी सब है। कोई बेटे से दुखी है, कोई बेटे के बिना दुखी है। आत्मदेव जी सोचे कि बाबा जी ने कहा था कि बेटे के लफड़े में मत पड़ो, पर मैंने नहीं सुनी, तो देखो आज बेटे ने मुझे मार लगाई तो रोना पड़ा। अच्छा, हमारा दुश्मन ना हमें तलवार से मार दे तो दर्द नहीं होता, लेकिन हमारा अपना प्रेमी हमें पुष्प फेंक कर मार दे तो बड़ा कष्ट होता है सरकार, बड़ी पीड़ा होती है। जिसको पाल पोस कर बड़ा करो, जब वो आंखें दिखाता है ना, वो भयंकर दर्द होता। भक्तों, आत्मदेव जी रोने लगे, बेटे ने मार लगाया, बेटे ने मारा, बेटे ने आज कष्ट दिया, रोने लगे। गोकर्ण जी आ गए। पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले, आज मेरे बेटे ने मुझे प्रताड़ित किया, जिसके लिए मैं इतना सब कुछ करता था, आज उसी ने मुझे मार लगाई, उसी ने मुझे मारा है। रो पड़े। पुत्र ने समझाया, पिताजी आपने इस बेटे को अपना मान लिया है, इस पत्नी को अपना मान लिया है, इसीलिए आप रो रहे हो। यदि इन्हें मानने की भूल ना करते ना, तो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। अच्छा, एक बात बता दो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भक्तों सब, जब पैदा हुए थे तो क्या लेकर आए थे? बोलो 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 मैया, आप बोलो, क्या कहती हो मैया? पैदा हुई थी आप कुछ लेकर आई थी? नहीं लाई। अच्छा, तो ये आंखें यहीं फिट कराई थी आपने, ये अपने दोनों हाथ यहीं लगवाए थे, पांव यहीं लगवाए थे? ऐसा नहीं है, हम कुछ लेकर नहीं आए। जब हम ईश्वर के घर से चले थे ना, तो अपना शरीर अपने साथ लेकर आए थे। ये शरीर ईश्वर ने हमें दिया था, लाए थे या नहीं? छोटा सा था तन, जब आए थे तब आंखें आपके साथ थी, आपका हाथ, आपका पांव, आपके शरीर में हर अंग सुरक्षित थे और बहुत सुंदर थे। लेकिन याद रखना कि जब आप जाओगे ना, तो वो शरीर आपके साथ नहीं होगा। जिसको आप इतना संवारते थे, जिसका इतना अभिमान करते थे, वो शरीर आपके साथ नहीं जाएगा। अच्छा, आप कहते हो ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, पत्नी के लिए रोते हो, बेटे के लिए रोते हो, परिवार के लिए रोते हो। एक बात बताओ, आपकी पत्नी और आपका पति क्या आपके साथ 24 घंटे रहते हैं?
बोलो हाँ या ना। आपका पति और आपकी पत्नी क्या आपके साथ 24 घंटे रहते हैं? आपकी बेटी आपका बेटा क्या आपके साथ 24 घंटे साथ देता है आपका? बोलो ईमानदारी से हाँ ना में जवाब देते चलो। नहीं देते। अरे मैया, ओ मैया, आपकी पत्नी आपके साथ 24 घंटे नहीं होती, आपका बेटा आपकी बेटी आपके साथ 24 घंटे नहीं होती, आपका पद आपकी प्रतिष्ठा आपका पैसा आपके साथ 24 घंटे नहीं होता, लेकिन आपका शरीर आपके साथ 24 घंटे होता है। बोलो आपका ये शरीर आपके साथ 24 घंटे होता है ना, 24 घंटे आपके साथ रहता है। आप बताइए जो शरीर आपके साथ 24 घंटे रहता है क्या वो शरीर आपका है? बोलो बोलो हाँ मैया। नहीं, सीधे से क्यों नहीं बोलते, इसमें भी शर्म। ये शरीर आपका है, याद रखना आपका शरीर आपके पास होता हुआ भी आपका। यदि आपका था ये शरीर तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर यदि आपका था तो घुटनों में दर्द होने लगा, बुढ़ापे में कमर में दर्द, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बुढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब यही है कि आपके साथ होता हुआ भी शरीर आपका नहीं था। याद रखना 24 घंटे रहने वाला शरीर जब आपका नहीं हो सका तो वो दुनिया आपकी कैसे हो सकती है जो आपको 20 साल बाद मिली है, वो पत्नी जो आपको 25 साल बाद मिली है, वो बेटा जो आपको 30 साल बाद मिला है, वो आपका कैसे हो सकता है? जो शरीर आपका नहीं हो सका जो आपके साथ पैदा हुआ था, तो वो हो सकता है आपका नहीं। क्यों इस मोह में पड़ गए हो? जो आपका नहीं था क्यों से आपने अपना मान लिया है ये मेरा है? पैदा होती किसी को बेटा नहीं मिलता, पैदा होती किसी को पत्नी नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन उस पत्नी के लिए जो 25 साल बाद मिलती है, जो बेटा 30 साल बाद मिलता है, उसके लिए मरता रहता है, मरता रहता है। ये शरीर अपना नहीं है, ये दुनिया अपनी नहीं है मेरे भाई। किराए से हो यहां पर, कभी भी ईश्वर मकान खाली करा लेगा, बोरी अवस्तर उठाकर जाना पड़ेगा। हाँ, किराए से हम ऐ मन मुसाफिर, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कायकुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कायकुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कायकुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना होगा, ये काया ये कुटी ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, जमानत ना होगी, घर तेरे पल्लू अमानत ना होगी, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, जमानत ना होगी, घर तेरे पल्लू अमानत ना होगी। भाई ये भाड़े का शरीर है, बैठ जाइए सभी लोग और ध्यान से बस शब्दों में ध्यान दीजिए। ये भाड़े का शरीर है, किराए का, जिस दिन मालिक निकाल लेगा ना तो निकलना पड़ेगा। ये शरीर किराए से है, जिस दिन ईश्वर कहेगा खाली करो तो शरीर खाली करके जाना पड़ता है आत्मा को, शरीर यहीं का यहीं, क्योंकि जिंदगी किराए का घर है,
और किराए के घर को समझदार लोग अपना नहीं समझा करते, वो लोग बेवकूफ हैं जो किराए के घर को अपना मान बैठते हैं। आप समझदार हो, किराए की झोपड़ी को अपना मत समझिएगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी। अभी मैं आवाज दे रहा हूँ, मेरी सुन लो, और यदि मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे तो मौत आवाज देगी। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप बने सोने के बने हो, चांदी के आप हो या मिट्टी के हो, आप किस चीज के बने हो ये बताओ, किस मिट्टी के हो? मिट्टी के ही हो। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा मरने के बाद? मिट्टी के बने हो और क्या होगा? या जमी पर रहो, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिए जाओगे, या तो या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा। छोड़कर सब जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा चिताओं में। मौत ने जमाने को खात्मा सिखा डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला। याद रख, याद रख, याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब दया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाको है, ना ही उसके साथी है, जंग नाच कोरत है, ना ही उसके हाथी है, ना ही उसके हाथी है, ना ही उसके हाथी है। कल जुटक के चलते थे अपनी शान शोहरत पर, सम्मतक नहीं चलती आज उनकी दुर्वत पर, आज उनकी दुर्वत पर, आज उनकी दुर्वत पर। अदना हो या आली
हो तब को लौट जाना है, तब को लौट जाना है, तब को लौट जाना है। जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यात्रा कल पाएगा सिर को उठाकर चलने वाले एक दिन ठोकर खाएगा। मौत ने जमाने को क्या समा सिखा डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, चार रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी। जर जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। भाई ये किराए का घर किराए का ही ठीक है, अपना समझने की गलती ना करना। देखिए ठाकुर जी ने मोहर लगा दी, बजे बाजे बजा बजा के भगवान जी कह रहे हैं कि समझ लो यही सत्य है, और अब नहीं समझ पाए तो फिर कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। आत्मदेव जी ने अपने बेटे की ये जब बातें सुनी, देहेस्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंच पश्यान सम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी भक्ति कर लो, भक्ति का पाठ पढ़ा करके पिताजी को आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने जंगल की ओर भेज दिया, और जंगल में जाकर पिता ने भगवान का भजन करके मुक्ति पा ली। अभी बच्चे के मोह में पड़े थे, अब भगवान की भक्ति में लग करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते। तदुपरांत धुंधकारी ने अपनी मां को मारा है। मां मां कुएं में कूद कर मर गई है, और जब कुएं में कूद कर मरी, पांच वैश्याओं को घर में ले आता है, पांच वैश्याओं को धुंधकारी अपने घर में ले आता है और पांच वैश्याओं के साथ रमण करता है। पांच वैश्याओं ने धुंधकारी के धन पर आकर के लालच पर आकर के पांचों वैश्याओं ने धुंधकारी का गला दबाकर उसे मार डाला, जहर देकर के गले में मुख में जलते अंगार देकर मार डाला और दफना दिया। धुंधकारी मर गया लेकिन प्रेत बनकर भटकने लगा। जब प्रेत बन के उसकी आत्मा भटकने लगी, दर दर की ठोकर खाने लगा। गोकर्ण जी ने उनके नाम की भागवत करी, और जब गोकर्ण जी ने भागवत करी तब धुंधकारी की सात दिनों में मुक्ति हो गई। भाई कथा सुनकर भागवत सुनकर धुंधकारी जैसे पापी कथा सुनकर के मुक्ति पा जाते हैं, जब प्रेत आत्मा तर जाती है तो मनुष्य आत्मा तो जरूर तर जाएगी सरकार, इस कथा से बस यही निवेदन है। धुंधकारी की मुक्ति होते ही भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगाया। दूसरी बार गोकर्ण जी ने फिर भागवत करी तो भागवत में लिखा है, भागवत सुनने वाले लोग कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जितने लोग थे सब विमान में चढ़ चढ़ के भगवान के परम धाम को चले गए, और उनकी सबकी नैया पार हो गई।
धुंधकारी का उद्धार हुआ। नारद जी महाराज वीणा बजाने लगे। महाराज भागवत तो मोक्षदायिनी और मुक्तिदायिनी है, ऐसी भागवत कभी नहीं देखी कभी नहीं सुनी जो कथा हमें मुक्ति दे दे, ऐसी भागवत तो अद्भुत है। हाँ ऐसी भागवत की महिमा सुने। भगवान श्री कृष्ण की कथा में सूत जी महाराज कहते हैं कि जब नारद जी महाराज ने ऐसी महिमा सुनी कि धुंधकारी जैसे पापी की मुक्ति हो गई, वीणा बजाकर नाचने लगे नारद जी महाराज, और जब नाचने लगे प्रहलाद जी महाराज आ गए, सारे सनकादि सारे संत खड़े होकर नृत्य करने लगे, और जब नृत्य करने लगे कथा कैसी सुनानी चाहिए कैसे सुननी चाहिए श्रोता वक्ता की महिमा। श्रोता कैसा हो जो कथा सुने वो सच्चा श्रोता है, वक्ता कैसा हो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकत, जो विरक्त हो वैष्णव हो भगवान की कथा सुनाने में कुशल हो ऐसा वक्ता हो, और उसी कथा में जिस कथा में भक्ति का जन्म हुआ जिस कथा में धुंधकारी की मुक्ति हुई उसी कथा में भगवान बिहारी जी का दर्शन आइए करते हैं। बाके बिहारी जी, श्री बिहारी जी जिन्होंने प्रकट होकर अपने भक्तों का सारा दुख दूर कर दिया, ऐसे बिहारी जी का दर्शन। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, मोर मुकुट वंशी वाले की। बिहारी जी का दर्शन। कल की कथा में हम सुनेंगे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई राजा परीक्षित ने पूछा 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। कुंती माता ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, और 7 दिन में गंगा के किनारे सुखदेव जी सुना रहे हैं कि जिसे जल्दी मरना है उसे तो भगवान के नाम का सहारा ले लेना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की मोर मुकुट वंशी वाले की। ओ मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी। Yeah.
जरा सभी लोग खड़े होकर बिहारी जी के साथ एक बार जरा झूम लीजिए। जिसको ठाकुर जी का भजन और जो ठाकुर जी से प्यार करता है वो जरा एक बार झूमे। हो मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। Yeah, boy.